धर्मशाला में खेले जा रहे भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले में टीम इंडिया को 274 रनों का लक्ष्य मिला। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल ने सबसे ज्यादा 130 रन बनाए, रचिन रविंद्र ने 75 और ग्लेन फिलिप्स ने 23 रनों की पारी खेली। शार्दुल ठाकुर की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किए गए अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने धर्मशाला में साबित कर दिया कि वे क्यों टीम इंडिया के सबसे जरूरी गेंदबाज हैं। उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 10 ओवर में 54 रन देकर 5 कीमती विकेट चटकाए। शमी के फाइफर की वजह से भारतीय टीम न्यूजीलैंड को 300 से पहले रोकने में सफल रही। मोहम्मद शमी ने वनडे वर्ल्ड कप की 12 पारियों में 36 विकेट हासिल कर लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया है। कुंबले के वनडे वर्ल्ड कप में 31 विकेट थे। साथ ही मोहम्मद शमी क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हॉल हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अपने अगले मैच में अफगानिस्तान से भिड़ना है। इस मैच से पहले फखर जमा फिट नहीं हो सके हैं। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की ओर से कहा गया है कि फखर को लेकर वे अभी कोई भी रिस्क नहीं लेंगे और अफगानिस्तान के खिलाफ भी वे प्लेइंग 11 में नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमामुल हक ने कहा है कि अब पाकिस्तानी टीम नए तेवर में नजर आएगी। साथ ही उन्होंने अपनी ही पीठ थपथपाते हुए कहा कि जब वे अच्छा खेलते हैं तो पाकिस्तानी टीम 90% मैच में जीत हासिल करती है। पाकिस्तान विश्व कप में अपना 5वां मुकाबला अफगानिस्तान से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेलेगा। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमामुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइनअप अच्छी है, हम हार के लिए गेंदबाजों पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते, हार का कोई बहाना नहीं है। हालांकि ये कहना निराशाजनक होगा कि सिर्फ हमारे ही गेंदबाज रन लुटा रहे हैं। इसका कारण भारत में छोटी बाउंड्री और बल्लेबाजों के अनुकूल विकेट्स हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रीस टॉपली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में चोटिल हो गए थे। इंग्लैंड टीम के कोच मैथ्यू मॉट ने जानकारी दी है कि हम रीस टॉपली की उंगली पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। आशंका ये है कि उनकी उंगली में थोड़ा सा क्रैक आया हुआ है, इसलिए उनका अगले मुकाबले में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में 229 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने के साथ एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इंग्लैंड की टीम को इस मैच में 400 रनों का बड़ा टारगेट मिला था, लेकिन पूरी टीम 22 ओवरों में 170 रन बनाकर सिमट गई। ये वनडे वर्ल्ड कप में अब रनों के नजरिए से 8वीं सबसे बड़ी जीत है। श्रीलंका ने शानदार अंदाज में नीदरलैंड्स की टीम को 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच में नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। नीदरलैंड्स की टीम ने श्रीलंका को जीतने के लिए 263 रनों का टारगेट दिया, जिसे श्रीलंकाई टीम ने 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में स्पेन की अपनी चिर प्रतिद्वंदी कैरोलिना मारिन से 3 गेम में हारकर बाहर हो गई। ये मुकाबला 1 घंटे 13 मिनट तक चला, जिसमें सिंधु को 18-21, 21-19 और 7-21 से हार का सामना करना पड़ा। मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों में शाब्दिक जंग भी देखने को मिली, जिससे दोनों को येलो कार्ड भी मिले। भारतीय खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की सुपानिडा काटेथोंग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।